हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? आज हम बना रहे हैं गोभी का मीठा। ये है कॉलीफ्लावर। मैं इसका डेजर्ट बनाऊंगी आज। अब हम इसको साफ कर लेते हैं। मैंने इस गोभी को काट लिया है साफ तरीके से। पूरा इसका सिर्फ हमने फूल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिर्फ इसका फूल लिया है। हम इसको दो इसको सबसे पहले हम नमक के पानी में धोएंगे, जिससे गोभी के अंदर के अगर कीड़े होते हैं गोभी के अंदर नमक के पानी से, वो सारे के सारे कीड़े मर जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। हम सबसे पहले इसे नमक के पानी से वॉश करेंगे। ये ले लिया है बोल में मैंने पानी। इसमें हम डाल देंगे 1 मुट्ठी नमक। फ्रेंड्स, हमें गोभी को उबालना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग उबाल देते हैं इसे कीड़े मर जाने के लिए। तो जैसे हम उबालते हैं, इसके सारे के सारे विटामिन चले जाते हैं, तो इसलिए हमें इसे उबालना नहीं है। हमें इसे नमक के पानी में धोना है, क्योंकि इसके सारे अगर इसमें कुछ कीड़े हो तो वो अपने आप इस नमक के पानी से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर हमें इसे डाल के रख देना है इसे। मैंने तो देखा इसमें तो कुछ भी कीड़े कीड़े तो नहीं थे, बिल्कुल साफ थी ये। कभी मुझे नज़र भी आते हैं काटते वक्त, ग्रीन कलर के गोभी के कलर के कीड़े होते हैं। जैसे हम नमक के पानी में डालते हैं तो वो नमक के पानी से निकल जाते हैं गोभी से। अब हम इस गोभी को नमक के पानी से बाहर ले लेंगे। हम इसको और एक नए पानी से फिर से धो लेंगे। नमक के पानी से निकाल के दूसरे पानी से हम साफ, हमने गोभी को दूसरे पानी से फिर धो लिया। दो तीन पानी से हमने धो लिया। फर्स्ट पानी हम नमक का डाले थे, फिर उसे हम 1 10 मिनट्स रख के निकाल लिए। फिर हम दूसरे दो पानियों से धो लिए। ये रही गोभी, ये रही शक्कर, ये रहा नेस्ले का क्रीम। आप कोई भी क्रीम लेके डाल ले सकते हैं इसमें। ये रहा खोवा, ये रहा आइसिंग्स। अब हम दूध में गोभी को गला लेंगे। ये रहा दूध, इसमें हम हमारी गोभी गला लेंगे। हमने दूध में गोभी डाल दिया है। ये 1 10 मिनट्स में गल जाएंगी। मैंने इसे आधे लीटर असली दूध में इसे गलाया है। ये गल चुका है। अब हम इसे मैश कर लेंगे। हम इसको इससे मैश कर लेंगे अच्छे से। हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया। इसमें अब हम शक्कर डालेंगे। हमने इसमें शक्कर भी डाल दिया। शक्कर अब्जॉर्ब हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा क्रीम और हमारा खोवा मिला लेंगे। ये रहा क्रीम एंड खोवा, इसको हम मीठे में मिला लेंगे। अब हम इसमें आइसेंस मिला लेंगे। वैसे तो इसमें गोभी की फूल की वो तो है नहीं, बट स्वीट में हमें एसेंस डालना अच्छा रहेगा, खुशबू आएंगी इससे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मीठी मीठी, बहुत ही प्यारी सी वो आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, बिल्कुल नए। हमारा मीठा बन चुका है। मैं इसे बोल में निकाल ली हूँ। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे।